जय हिंद मेरे साथियों। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि लोग किस तरीके से YouTube पर और ना यानी कितनी वीडियोस पर बिजनेस आइडिया, तरह तरह के बिजनेस आइडिया लेकर आप लोगों के सामने आते हैं कि आप 20,000 रुपये लगाइए और 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे कमाइए। हाँ, मैं मानता हूँ दोस्तों, 5,000 से 10,000 कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। आप कहीं इससे भी ज़्यादा आप डेली की अर्निंग कर सकते हो, लेकिन कुछ गलत तरीके से, गलत तरीकों के द्वारा आप जिस तरीके से आप बिजनेस आइडिया लोगों को दिखा रहे हो ना, ये बिजनेस आइडिया बिल्कुल भी गलत है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, और इस तरीके के धोखे ना करें किसी के साथ। यदि आपके पास यदि कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, यदि आपके पास बिजनेस से रिलेटेड, तो आप वीडियो बिल्कुल भी मत बनाइए, लेकिन लोगों को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि तो इस तरीके के वीडियो बनाकर है ना, आप लोग सिर्फ कुछ नहीं, आप अपने व्यूज इकट्ठे करते हो, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो लोग आप पर भरोसा करके, इतना ट्रस्ट करके आपके द्वारा बताए गए बिजनेस आइडिया में पैसा लगा देते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उन्हें लॉस होता है और वो बिजनेस बंद कर देते हैं। एक तो वो वैसे ही पहले से ही अपनी तंगी झेल रहे हैं, और न जाने कहाँ से कर्ज करके किस तरीके से उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, और इस तरीके से लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि मेरे जो बिजनेस आइडिया में, और किस तरीके से आपको बिजनेस प्लान करना चाहिए, यदि आप इस तरीके से यदि आप बिजनेस करोगे ना, मैं दोस्तों बता दूं आपको, आप 100% आप सक्सेस हो जाओगे। आपको ना कभी भी नुकसान नहीं होगा बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कीजिए। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, YouTube पर सबसे ज़्यादा क्या है, झाड़ू पोछा वाई पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, LED बल्ब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, PVC बैंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ना जाने तरह तरह के सोडा वाटर, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ना जाने ऐसे कितने बिजनेस आइडिया है जो आपको यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी बिजनेस आइडिया हैं वो सभी सही हैं, लेकिन उनको बताने का और उनसे उस तरीके से जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, वो आपका तरीका बिल्कुल गलत है कि आप महीने का आप 20,000 रुपये आप हमारे बिजनेस में लगाइए, या 10,000 रुपये आप हमारे बिजनेस का आप एक किट खरीदिए और आप महीने का 5,000 से 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप कमाइए, ये गलत है। लोग बाग क्या बताते हैं अपनी वीडियोज के अंदर कि आप स्लीपर मेकिंग मशीन खरीदिए, आप स्लीपर बनाइए, आप 30 रुपये 40 रुपये में आप स्लीपर बनाओगे और 80 90 100 150 रुपये तक आप चप्पल बेचिए। भाई दोस्तों, एक बात बताऊँ, जब जेन्युइन चप्पल, जो अच्छी ब्रांडेड चप्पल आपको 90 100 रुपये में मिल जाएगी, तो आपकी कोई लोकल ब्रांड आपकी इतनी महंगी क्यों खरीदेगा। और मैं आपको बता दूँ, जो आप 30 रुपये 40 रुपये में जो बन के तब चप्पल है, जो तैयार हो रही है ना, वह अपने आप ही के शहर में रोडों पर, फुटपाथ पर 25 से 30 रुपये में बिक रही होती है। और जिस बल्ब की आप बात करते हो ना कि ये 90 100 रुपये में बिकता है, वो बल्ब भाई मैं आपको बता दूं, रेडियो पर बिकते हैं 20 20 रुपये में, 15 15 रुपये में, वही LED बल्ब। आप लोगों को भ्रमित करते हो कि आप 30 रुपये में 40 रुपये में बना के 90 100 रुपये में देखोगे, नहीं बल्ब गलत है। आप इस तरीके से लोगों को मत ठगो। ये झाड़ू पोछा वाला जो बिजनेस जो आप लोग बताते हो ना यूट्यूब पर, कि इस तरीके से आप ये सेटअप कीजिए और हमारा एक किट लीजिए, हमारा रॉ मेटेरियल खरीदिए, भाई मैं बिल्कुल बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना रॉ मेटेरियल देखने के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को ठगा जाता है। ये बिल्कुल जेन्युइन और सही बात है। यदि आपको कोई बिजनेस करना है ना, और आपको लग रहा है कि हमें झाड़ू पोछा वाइपर बनाने का बिजनेस करना है, या LED बल्ब बनाने का बिजनेस करना है, या फिर हमें PVC पाइप बैंड बनाने का, आप अपने बलबूते पर बिजनेस करना, आप उन लोगों के बलबूते पर बिजनेस मत करना। आपकी जो मार्केटिंग है ना, जो आप करोगे उस हिसाब से करना। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, इसमें मैं यही बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉफिट कमा पाओगे बिजनेस के अंदर, और किस तरीके से आप अपने छोटे से बिजनेस को ना एक बड़ा बिजनेस बना पाओगे। ये तरीका है आज मेरे पास। आप इस तरीके के फ्रॉडबाजी के वीडियो देखकर आप अपना समय और अपना पैसा बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, जो मेरे पास जो आइडियाज हैं, जो प्लानिंग है, मैं आपको बता दूं, आपका चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो, आप अपने बिजनेस को ना बिल्कुल अपने मुकाम पर ले जाओगे। लेकिन किस तरीके से, आप जब भी याद रखना कि आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप छोटा बिजनेस करो चाहे आप बड़ा बिजनेस करो,
किसी भी लेवल का बिजनेस करो, लेकिन आप मेरी ये दो बातें आप याद रख लेना दोस्तों, आपको बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप इस तरीके के जो फ्रॉड जो वीडियो आ रही है ना, आप उनके बिजनेस आइडिया पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपका पैसा, आपका जो भी समय, आपका सब कुछ बर्बाद होगा उनके बताए हुए तरीके से। पहली बात, आप जो भी बिजनेस करो, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि आपके प्रोडक्ट में हमेशा दम होनी चाहिए। दम ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके प्रोडक्ट को देख के खुश हो जाए। यदि आपके प्रोडक्ट में वाकई दम है ना, और तो आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाओ, तो आप कभी भी है ना अपने प्रोडक्ट की कीमत कभी मत बता देना। आप कि आपने जाते ही मार्केटिंग में सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट की यदि कीमत बता दी ना, तो ये मान लो आपने बहुत कुछ खराब कर लिया। आपने सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, उसके बारे में बतलाइए आप अपने कस्टमर्स के लिए। आपको जितना हो आपके पास, जो आपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट में जो क्वालिटी बनाई है, आप उस क्वालिटी के हर एक एक चीज को आप अपने कस्टमर को बताइए कि मेरे प्रोडक्ट में और प्रोडक्टों से क्या चीज अलग है और क्या चीज सही है। तीसरी चीज दोस्तों, यदि आप प्रोडक्ट में, यदि आप मार्केटिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और यदि ज्यादा बेहतर बताते हो, तो आपको उसके बाद आप ध्यान रखना, आपको अपने प्रोडक्ट की कीमत बतानी है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, कीमत हमेशा अपने प्रोडक्ट की। आप ऐसा नहीं कि नया बिजनेस किया आपने धड़ाके से कीमत, ध्यान रखना नए बिजनेस में जब आदमी कोई घुसता है ना, प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी कीमत हमेशा कम कर दूं। आपका जो प्रॉफिट है ना, जो नॉट नेट प्रॉफिट है, वो आप कम कर दीजिए। ऐसा नहीं कि यार हमें तो इतने का बन के तैयार हो रहा है और हमें तो इस पे इतना प्रॉफिट चाहिए। नहीं, आपके पास जितना, आप मिनिमम जितना आप नेट प्रॉफिट कम करोगे ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। एक बार आपको मार्केट में घुसना है, आपको उसकी नॉलेज लेनी है। आप ये समझना, हमने 6 महीने साल भर हमने कुछ कमाया ही नहीं अपने बिजनेस से, सिर्फ हमने अपने बिजनेस को समझने में निकाल दिया कि हमको समझना है मार्केट के बारे में, कि लोगों के रिव्यू क्या हैं, लोगों की कंप्लेंट्स क्या हैं, मार्केट में किस तरीके से हमें घुसना है। आपको तो मार्केट में घुसना है अपने दमदार प्रोडक्ट को लेकर। आपको एमआरपी रेट पर तो काम ही नहीं करना। आप तो ये समझो कि हमें साल 6 महीने हमें कुछ कमाना ही नहीं है। यदि आप इस तरीके से यदि आप बिजनेस करोगे ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और रही आपके झाड़ू पोछा स्लीपर मेकिंग आर्ट, जितने भी एलईडी बल्ब और जो भी जो बिजनेस है, आप जो करना है वो कीजिए, लेकिन इन जैसे चूतिया लोगों के आप आइडियाज पर काम बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल सही। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं भी सरक्लिप से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट बनाता हूँ और पूरे ऑल इंडिया में मैं सेल भी करता हूँ। मैं यदि आपको सरक्लिप से रिलेटेड कोई भी यदि आपको पार्ट चाहिए, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना बिजनेस अकाउंट नंबर मैं अपने वीडियो में डाल दिया हुआ हूँ, और इस तरीके से मेरे से अगर आपको जुड़ना है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आपसे विदा लेता हूँ अपने नए टॉपिक और नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।